गुड मॉर्निंग क्लास, मैं श्री रीचन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से। आज हम आपको होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पढ़ाएंगे। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इसमें दो टॉपिक लेकर चलेंगे। पहला तो है हमारा रक्त के कार्य की फंक्शंस ऑफ ब्लड, और सेकंड जो है वो है हृदय की संरचना। हम ये बताएंगे कि हृदय की संरचना क्या होती है, इसकी आंतरिक बनावट क्या होती है और इसके हृदय के कार्य क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्त के कार्यों के बारे में कि हमारे शरीर में रक्त का क्या क्या कार्य होता है। तो आप जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, सभी हेडिंग्स वाइज हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो जैसा आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं हमारी जो लिखी हुई है, पोषक पदार्थों का संवाहन। तो जो रक्त आमाशय, छोटी आंत, पक्वाशय आदि स्थानों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण कर पहले यकृत में, फिर वहीं से आवश्यकता अनुसार शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो पोषक रक्त का कार्य होता है, पोषक पदार्थों को एक दूसरे से मिलाना, ये रक्त आमाशय, छोटी आंत में जाकर, फिर पक्वाशय आदि स्थानों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है और फिर यकृत में, और फिर वहीं से आवश्यकता हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को उन कोशिकाओं में ये पहुंचाता है। तो पहला कार्य हो गया इसका ये। जो दूसरी हेडिंग आप देख रहे हैं हमारी, वो लिखी हुई है जल संतुलन। जल संतुलन के बारे में, तो यह शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है और अधिक जल होने पर यह पसीने, मूत्र आदि के रूप से इसको बाहर निकाल देता है। रक्त का दूसरा कार्य ये भी होता है कि हमारे शरीर में जो जल का वाटर लेवल होता है उसको लेवल रखता है, और यदि हमारे शरीर में जल का संतुलन ज़्यादा हो गया, जल अधिक हो गया, तो ये पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है और या मूत्र द्वारा। दूसरा कार्य इसका ये है। तीसरा कार्य है जो अम्ल क्षार का संतुलन। तो अम्ल क्षार के संतुलन में रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन व प्लाज्मा प्रोटीन बफर का काम करते हैं, जिससे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बना रहता है। चौथा कार्य इसका होता है घाव व चोट लगने पर मरम्मत करना। रक्त में जो उपस्थित सोएत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो घाव एवं चोट लगने पर तथा कटने आदि पर हुई कोशिकाओं की पूर्ति करने में अहम कार्य करती हैं। यदि हमारे शरीर में कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया, शरीर का कोई भी हिस्से में हमारा कट लग गया, तो हमारे शरीर में जो रक्त में श्वेत कण होते हैं सफ़ेद, वो उनका कार्य होता है कि हमारे शरीर के घावों को जल्दी से भरना। जो पांचवा इसका कार्य होता है थक्का बनाना। तो रक्त थक्का बनाने का भी कार्य करता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है और शरीर में चोट लगने पर रक्त बाहर निकलने से बच जाता है। यदि रक्त स्राव होता है, मतलब रक्त यदि बह रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यदि हमें कोई चोट लग जाती है तो रक्त का बहना किस कारण होता है कि रक्त जो होता है वो खुद अपना खून का एक थक्का बना लेता है, उस जगह को ब्लॉक कर देता है, रक्त को बंद कर देता है। यदि ऐसा ना हो तो इतना ब्लड बहे, इतना ब्लड का श्राव हो कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। छठवां इसका कार्य होता है हार्मोन का संवाहन। तो नली का वाहिनी वही विहीन ग्रंथियों द्वारा श्रावित हार्मोन्स रक्त द्वारा संवाहित होते हैं। ये हार्मोन्स अपने अंग विशेष में जाकर उनका निलयन करते हैं। तो आखिरी इसका लास्ट कार्य जो है सातवां, वो है रोगों से रक्षा। तो रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करती हैं और रोगों से शरीर की रक्षा करती हैं। यह एंटीबॉडीज उत्पन्न कर रोगों के जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करने से रोकती हैं। इनका जो रोगों से रक्षा इस तरीके से करता है कि जो हमारे रक्त में सफ़ेद श्वेत रंग के कण पाए जाते हैं, जिसको रक्त कणिकाएं कहते हैं,
तो ये हमें हानिकारक जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है, शरीर में उन्हें प्रवेश बहुत ही कम करने देती हैं। और यदि ये शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं हानिकारक जीवाणु, तो इनकी वृद्धि होने से इन्हें रोकती हैं। तो ये हो गए हमारे रक्त के कार्य। अब साइड में जो आप हेडिंग देख रहे हैं वो है हृदय की संरचना। हृदय की संरचना के बारे में बताएंगे, तो जो हृदय एक खोखला मांसपेशियों से बना अंग है। यह झिल्ली का एक थैला है जो बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय के चारों ओर एक मोटी तानत्व ऊतक से बनी परत रहती है जो तीन परतों से बनी है। यह परतों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा हृदय होता है वो एक खोखला है और मांसपेशियों से बना हुआ है। यह एक इसके ऊपर झिल्लियाँ हैं, मतलब इसको एक झिल्ली का थैला भी कहा जाता है जो एक मुट्ठी के बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय के चारों ओर जो मोटी मोटी ऊतकों की परतें होती हैं, वो परतें तीन परतें हैं। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहले हेडिंग है परिहृदय स्तर, मतलब पहली जो परत है उसको कहते हैं परिहृदय स्तर। यह दोहरे स्तरीय वाला थैला है। इसका एक स्तर बाहरी अंगों से हृदय को जोड़ता है, तो दूसरा हृदय पेशी से सटा रहता है। इन दोनों के बीच जो सीरस द्रव्य भरा रहता है जो इसे चिकना बनाए रखता है, इस द्रव्य से दोनों स्तर आपस में रगड़ नहीं खाते और हृदय की संकुचन प्रसरण गति आसानी से होती रहती है। जो परिहृदय स्तर की पहली परत होती है वो इसका स्तर बाहरी अंगों से हृदय को जोड़ता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो बाहरी अंग होते हैं, हृदय उनसे जुड़ा होता है, तो दूसरी हृदय पेशी से, दूसरी जो होती है वो हृदय की पेशी से बिल्कुल चिपका होता है। और इन दोनों के बीच में एक सीरस द्रव भरा होता है जो इसे चिकना बनाए रखता है हृदय को। दूसरी जो परत है वो हृदय पेशी स्तर। तो हृदय पेशी स्तर, इसमें विशेष प्रकार के तंतु होते हैं जो अनैच्छिक पेशी वर्ग के होते हैं और हृदय के दाएं तथा बाएं भाग में कोई संबंध नहीं रहता इनका। यह एक दीवार सेप्टर द्वारा विभाजित होते हैं और इन मांसपेशी स्तर ऊपर आलिंद की ओर पतला तथा नीचे नलियों की ओर मोटा होता है। तो ये हो गई इसकी दूसरी परत। जो तीसरी परत होती है वो अंततः हृदय स्तर। तो यह हृदय की अभ्यांतर की कोमल कला है जो चपटी अंतकला कोशिकाओं से बनी हुई होती है और हृदय के अंदर रहने वाला एक एंडोथिलियम का स्तर नलिकाओं के अभ्यांतर व हृदय के अंदर के कपाट आदि को भी आच्छादित करता है। लेकिन इस स्तर के कुछ सूत्र ऊपरी कक्षों व नीचे के कक्षों में मिलते रूप से रहते हैं, जिनकी वजह से नीचे के दोनों कक्षों व ऊपर के दोनों कक्षों में एक संकुचन तथा शिथिलन की क्रियाएं एक साथ एक ही समय में होती हैं। तो ये हो गई हृदय की संरचना के बारे में। अब हम आपको बताते हैं हृदय की आंतरिक बनावट क्या है। तो आंतरिक बनावट, हृदय का आंतरिक खोखला भाग एक अनुदैर्ध्य विभाजक भित्ति के द्वारा दाहिने और बाएं दो भागों में बट जाता है। इन दोनों कक्षों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र कक्ष बन जाते हैं। हृदय का संपूर्ण जो दायां हृदय का जो पूरा दायां भाग अशुद्ध रक्त के लेन देन से संबंध रखता है। जो हृदय का हमारे दाएं तरफ का भाग होता है, वहाँ पर जो पूरा गंदा ब्लड होता है हमारा अशुद्ध रक्त, उससे संबंध रखता है। वहाँ पर गंदा ब्लड होता है और दाएं व बाएं भाग के बीच में एक मोटी दीवार होती है जिसमें कोई छेद नहीं होता। यह विभाजक भित्ति कहलाती है। बाएं भाग बड़ा तथा दायां भाग छोटा होता है। हमारे हृदय का जो बायां भाग होता है वो बड़ा होता है और जो दायां भाग होता है वो छोटा होता है। इन दोनों